जय जानेंद्र, मैं शिवांगी आत्मा चैनल पर प्रसारित धार्मिक समाचार देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आज के धार्मिक व सामाजिक समाचार कुछ इस प्रकार है। संथारा साधिका महासाध्वी श्री विजय कुमारी जी महाराज साहिब जी की सुशिष्याएं जिन शासन ज्योति सरल मना महासाध्वी श्री गीता जी महाराज साहिब, साध्वी श्री सलोनी जी महाराज साहिब, साध्वी श्री प्रीति जी महाराज साहिब, साध्वी श्री वर्णिका जी महाराज साहिब थाने चार विभिन्न उपक्षेत्रों को लाभ प्रदान करते हुए मोती नगर पहुंचे थे, जहां सभी साध्वी भगवंत विहार करते हुए आज नूरवाला रोड स्थित जैन स्थानक पधारे। सभी गुरु भगवंतों ने उनका भावभीनी स्वागत किया। संथारा साधिका उप्रवर्तनी महासाध्वी श्री सुमन कुमारी जी महाराज साहब की सुशिष्याएं जिन शासन ज्योति सरल मना महासाध्वी श्री गीता जी महाराज साहब आदि ठाणे चार आज मोतीनगर जैन स्थानक से विहार करके नूरावाला रोड जैन स्थानक में पधारे और दो तीन दिन यहीं पर रुकने के भाव है और प्रवचन का समय सुबह 8 बजे से 9 बजे तक का रहेगा। सभी भाई बहन इसका ध्यान रखेंगे और हमारा 2019 का चातुर्मास सिविल लाइन जैन स्थानक में श्रवण संघीय मंत्री पूज्य गुरुदेव श्री आशीष मुनि जी महाराज साहब के सानिध्य में है और हमारा चातुर्मास का प्रवेश 9 जुलाई को जैन स्थानक किचलू नगर से प्रातः 8:15 बजे होगा। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ अभिनंदन की रिपोर्ट। लुधियाना के गुड़मंडी के नज़दीक मशहूर प्राचीन तालाब मंदिर में बीते रविवार शाम भजन संध्या का कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम एवं श्रद्धापूर्वक आयोजित किया गया। इस बीच भक्तों ने स्वयं माता रानी का गुणगान कर महफिल में चार चांद लगाए। सभी भक्तगण भक्ति रस में लीन हुए नजर आए। आयोजकों ने बताया कि जो भी सच्चे दिल से इस मंदिर के प्रांगण में आकर माता रानी के चरणों में हाजिरी लगाता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। श्री बांग के बेहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी लाल तेरी आरती गाओ, ओ मोरे मुकट हर शीश पे सोहे, मोरे मुकट हर शीश पे सोहे, से हटा हार वाले पर्दा असल में आए दीवाने, ओ पर्दा मुख से हटा हार वाले, पर्दा मुख से हटा हार वाले, तेरी महफिल में आए दीवाने, ओ तेरी महफिल में आए दीवाने, ओ तूने मुखड़ा था इसमें छुपा। बोलो बालाजी महाराज की जय हो। बालाजी मेरे प्यारिया कदे तदर्श दिखाया कर, बालाजी मेरे प्यारिया कदे तदर्श दिखाया कर, बालाजी 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 मेरे प्यारिया कदे तदर्श दिखाया कर, बालाजी मेरे प्यारिया कदे तदर्श दिखाया कर, भर भर के प्याला प्रेम दा आण के मैनू पिलाया कर, भर भर के प्याला प्रेम दा कदे ता हो जवानों का अलबेलों का मस्तानों का इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना, ओ कैमरामैन बलविंदर के साथ अभिनंदन की रिपोर्ट। कल 24 जून को सुबह 6 बजे मुनि श्री हिमांशु कुमार जी थाना चार श्री जितेंद्र जी जैन के निवास स्थान रमन एनक्लेव ऋषि नगर से विहार करके श्री सुरेंद्र जी चोपड़ा के निवास स्थान सुंदर नगर लुधियाना पधारे। विहार समय कई भक्तों ने रास्ते की सेवा का लाभ लिया। इस मौके पर आत्मा चैनल के MD विनोद जैन जी महाराज साहिब के दर्शनों का लाभ लेने के लिए पहुंचे। महाराज साहिब ने उनकी खूब खूब अनुमोदना की।
लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ अभिनंदन की रिपोर्ट। मुंबई की ओर से विहार करते हुए कक्षाधिपति आचार्य श्रीमान विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज सा, आचार्य श्रीमान विजय चिंदानंद जी सुरेश्वर जी महाराज सा आदि साधु साध्वी मंडल नडियाद पहुंचे। वहां पर आगम मर्मज्ञ महामुनि श्री जम्बू विजय जी महाराज सा के सुशिष्य एवं साधु साध्वी मंडल भी वहां पधारे हुए थे और महाराज साहिब का परस्पर मिलन हुआ। इस मौके पर श्री संघ को प्रवचन का लाभ प्रदान हुआ। वाचना के दौरान श्री जम्बू विजय जी महाराज सा के जीवन के अनेक प्रेरक प्रसंगों को श्रवण करने का अवसर मिला। गुरु भूमि बड़ौदा में शांति दूत कक्षाधिपति जी की आज्ञानुवृत्ति संयम स्थाविरा साध्वी जितेंद्र जी महाराज सा आदि थाना व अन्य सभी साध्वी मंडल ने कक्षाधिपति जी के दर्शन वंदन किए। मुंबई से कैमरामैन बलविंदर के साथ अभिनंदन की रिपोर्ट। सेहत बीमा योजना स्कीम के तहत ग्राम पंचायत चक सिंगेवाला गांव के स्कूल में एक कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में सेहत बीमा योजना स्कीम का लाभ लेने के लिए लोगों के आवेदन पत्र भरे गए और लोगों को सरकार से मिलने वाली सहूलतों से जागरूक करवाया गया। कैंप को सफल बनाने के लिए लोगों ने बड़े ही उत्साह से भाग लेकर ग्राम पंचायत का सहयोग किया। सभी सरकारी सहूलतों का लाभ लेने के लिए सरपंच करम सिंह ने लोगों से अपील की। उन्होंने कैंप की पूरी जानकारी देते हुए सभी पंचायत मेंबरों का धन्यवाद भी किया। असी जो सरकार वालों सहूलत आई हैं उन्होंने बारे लोगों को मदद दे रहे हैं कि जो सरकार वालों नवे कार्ड बन रहे हैं और सेहत बीमा योजना जो सरकार वालों एक वधिया स्कीम आई है उन्हें बारे उन्होंने भी कार्ड बनवा रहे हैं कि जेडे उन्होंने किसी इलाज मौके उन्होंने दिक्कत ना आए सही पैसा सही टाइम से मुहैया करवाया जाए। इन बारे असं इन स्कीमों लोगों जागरूक करा रहे हैं और इन्हों जो जो भी फार्म वगैरह वो सारे नवे भर के सरकार को भेज रहे हैं कि जेडे हर एक आदमी को जी मिलती सहूलत वो मिल सके। हाँ जी सरपंच साहब इतने थोड़े यहाँ होर भी थोड़े किहड़े साथी ने उन्हां तुसी नाम दस सकते हो जो कि थोड़े यहाँ इतने बैठ के असी सारी पिंड की पंचायत ही है। जसपाल सिंह भी है बलकार सिंह भी है नरेंद्र सिंह भी है सारी पिंड की पंचायत मौजूदा पंचायत लगी हुई है कि सारे फार्म जो भी यह स्कीम तहत है उन्होंने जो चंगी तरह तो लोग इतने वध चढ़ के थोड़े को पहुँच रहे हैं। इतने लोग बहुत ज़्यादा इतने साढ़े को पीड़ा पीड़ फटे इतने वेखन मिल सकती है। इधर मर्जी कह लो इधर वेखन मिलेगी कि बहुत ज़्यादा लोग इच्छा दे रहे हैं तो लोग इस चीज़ को चंगा समझ रहे हैं। हर एक आदमी को यही सूचना देंगे कि जो ये सेहत बीमा योजना है ये बारे भी हर एक बंदा यदा जरा कार्ड बनवावे और वो मदद लवे चाहे राशन कार्ड वगैरह ये भी जो सुविधा बंद हो जाएगी नवी हो उन्होंने बारे भी आपका सारे बनवा जिदा हक बनता है वो बनवावे तो आपकी सहूलत मुहैया करा। अबोहर से कैमरामैन बलकरण के साथ रविंदर सिंह की रिपोर्ट। पिछले दिनों भजन गायक संजय सावरिया द्वारा संत समाज के प्रति अभद्र शब्दावली का प्रयोग किया गया जिसके चलते संत समाज द्वारा भजन गायक संजय सावरिया का बहिष्करण किया गया। इस अवसर पर संत समाज के द्वारा मीटिंग के दौरान संजय सावरिया ने संत समाज से भविष्य में गलती न करने की माफ़ी मांगी और संत समाज और संजय सावरिया मध्य चल रहा विवाद समाप्त हो गया। इस अवसर पर संत समाज ने कहा कि हमें हमेशा सनातन धर्म को प्रफुल्लित करने के लिए आपसी तालमेल के साथ कार्य करना चाहिए। जागरण के दौरान कई बार ऐसे कार्यक्रम पेश किए जाते हैं जिसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचती है। चिदानंद भगवान की जय। आज अमृतसर में बालाजी धाम खनुपुर काला मंदिर में सारे संत समाज की मीटिंग हुई। इस बैठक में जो संजू भजन गायक हैं संजय समरिया उनका बहिष्कार किया गया था। उसके कुछ कारण थे कि हिंदू सनातन धर्म को कहीं कोई ठेस ना पहुंचाए इसलिए संजू का बहिष्कार किया गया था। आज उस बच्चे ने आकर के सभी से माफ़ी मांगी है सारे संत समाज से सारे सनातन धर्म से माफ़ी मांगी है कि मैं आज के बाद कोई झांकी नहीं बनाऊंगा और आज के बाद मैं संतों के खिलाफ कोई ऐसा अपशब्द नहीं कहूंगा जो किसी को दुख पहुंचाए। इसलिए उस मीटिंग में संजू का जो बहिष्कार किया गया था वो बहिष्कार आज वापस लिया जाता है इस कारण आज की बैठक रखी गई थी।
पुनः जब बैठक दोबारा होगी। कोई भी कलाकार कलाकारों को यही है कि आप धर्म को आगे बढ़ाएं और भगवान के नाम का सिमरण करवाएं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। पर कोई भी अगर झांकी बनाएगा, भगवान का स्वरूप लेगा, तो उसका पूर्णतः विरोध किया जाएगा। और इस काम में हमारे साथ सारी जो धार्मिक संस्थाएं हैं, जिनमें से विक्की दत्ता जी बैठे हुए हैं, प्रधान जी बैठे हुए हैं, अपना प्रदीप जी बैठे हुए हैं, तो अपने प्रधान जी के अपना ओम प्रकाश जी बैठे हुए हैं, सारे सभी का सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है। और हम चाहेंगे कि सनातन पद्धति को आगे बढ़ाते हुए ऐसी कोई स्थिति पैदा ना हो जिससे सनातन धर्म को नुकसान हो। अमृतसर से सुनील खोसला के साथ अभिनंदन की रिपोर्ट। पंजाब लुधियाना में पवेलियन मॉल में आज चीसल फिटनेस जिम की ओर से लोगों को सेहत के बारे में जागरूक किया गया। इस दौरान लोगों ने मौके पर डांस भांगड़ा करके आनंद उठाया। इस दौरान चीसल फिटनेस जिम के मालिक गुरविंदर सिंह ने लोगों को बताया कि घर से बाहर निकलते समय अपनी सेहत का पूरी तरह से ख्याल रखना जरूरी है, नहीं तो कई तरह की बीमारी होने की आशंका बन जाता है और लोग काफ़ी तरह से परेशान हो जाते हैं। इस मौके पर चीसल फिटनेस जिम के मालिक गुरविंदर सिंह ने सभी लोगों का धन्यवाद किया। Hello, I'm Gurinder Singh Gorkhi. I'm owner of this gym, MD of Chisel Gym. We have opened this gym for the purpose, for the jo nayi generation hai aajkal hamari, is going to the bad elements in the hands of the bad elements. We want, they come and relax here and stress apna jo free kare, drugs se bache aur apni health ko theek kare, Chisel mein aaye aur apna, aaj humne yahan pe fitness party organize ki hai. तो लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं इसको। तो आई वॉन्ट कि लोग ऐसे अवेयर हों, फिटनेस के लिए अवेयर हों, ताकि लोग ड्रग से बचें, स्ट्रेस से बचें और यहाँ पर आके अपना अपने आप को रिलैक्स और फिट करें। थैंक यू। जो आज का हमारा इवेंट हो रहा है वो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट किया है लोगों को अवेयर करने के लिए फिटनेस के बारे में। भी यहाँ पर लुधियाना में नाइट पार्टीज होती हैं जहाँ पर शराब और ऑल द बैड एलिमेंट्स जाते हैं। यहाँ पर हमारे फिटनेस में हमने फ्री किया है। अभी लोग आएँ, अपना बॉडी को फिट करें, माइंड रिलैक्स करें, बगैर नशे के भी आप अपने आप को फिट, रिलैक्स और स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं। ऐसे हमने जब से हमने चीजल जिम ओपन किया है, हमने ऐसी कोई ना कोई एक्टिविटी, योगा डे पे योगा सेलिब्रेट करते हैं, फिटनेस के लिए और चीज़ें हम अवेयर लोगों को करते रहते हैं। लुधियाना के लोगों के लिए तो हमारा यही मैसेज है, अभी आप अपने आप को फिट रखें, हेल्दी रहें और स्ट्रेस फ्री रहें, जिम ज्वाइन करें। हाय, माय नेम इज़ जसबीर। मैं एज अ भंगड़ा एंड ज़ुम्बा इंस्ट्रक्टर चीज़ों में ट्रेनर हूँ और आज यहाँ पर फिटनेस पार्टी रखी गई है, जिसको आज मेरी वर्कशॉप थी यहाँ पर भंगड़ा एंड ज़ुम्बा की। काफ़ी अच्छा क्राउड है, ऑसम एनर्जी, बहुत ही एनर्जी के साथ लोगों ने यहाँ पर फिटनेस पार्टी में पार्टिसिपेट किया है और बहुत मज़ा आया मुझे यहाँ पर लोगों को परफॉर्म करवा के और ख़ुद भी परफॉर्म करके। एंड मैं चाहता हूँ कि चीज़ें जो मैं ऐसी फिटनेस पार्टी होती रही, इसका बहुत बेनिफिट होता है क्लाइंट्स को, इससे उनकी एनर्जी बढ़ती है और फुल ऑफ इन्जॉय होता है। नहीं, आगे भी हमारी वर्कशॉप चलती है, तो चीज़ों में वैसे भी रेगुलर क्लासेस होती है। यहाँ पर हमने फिटनेस पार्टी फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज किया और इसका हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। लोगों को मैसेज होगा कि अगर आप फिटनेस के मतलब आपके अंदर फिटनेस के लिए पैशन है तो प्लीज़ आप चीसल जिम ज्वाइन कीजिए। इसके जैसे इक्विपमेंट, इसके जैसा एटमोसफेयर आपको किसी जिम में भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल, अब हमारा प्लानिंग है कि हम हर 3 मंथ्स में एक बार ऐसे फिटनेस पास यहाँ पर ऑर्गेनाइज करेंगे। तो ध्यान से विकास भामरे के साथ अभिनंदन की रिपोर्ट। आज अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने आम जनता के गठबंधन के साथ मिलकर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर का घेराव कर धरना दिया। उनका कहना है कि कांग्रेस सरकार हर बार लोगों के साथ धक्का करती आई है। कांग्रेस सरकार की तरफ से किए गए सारे वादे झूठ साबित होते नजर आ रहे हैं। आम जनता का कहना है कि उन्होंने बहुत भरोसे के साथ कांग्रेस को वोट दिया ताकि पंजाब में बिगड़ती हुई स्थितियों पर कोई सुधार हो सके। अब उनको लगता है कि शायद इस बार
पंजाब की आम जनता से मतदान में बहुत बड़ी भूल हो गई, क्योंकि अब कांग्रेस सरकार खुद ही जेबें भर के पब्लिक को लूटने का काम कर रही है। आज लोगों को ना तो साफ पानी मिल रहा है और ना ही बिजली मिल रही है और ना ही सड़कों का निर्माण हो रहा है। ऊपर से प्रदर्शनकारियों ने सवाल उठाया कि हरियाणा और बाकी के राज्यों में बिजली 3 या 4 रुपये प्रति यूनिट है तो पंजाब में 10 रुपये प्रति यूनिट क्यों। उनका कहना है कि अगर सोई हुई सरकार ने इस मुद्दे पर विचार विमर्श करके कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो वह अपना प्रदर्शन तेज करेंगे। ढाई साल पहला पंजाब के लोगों झूठे वादे करके जो पंजाब में कांग्रेस ने सरकार बनाई सी और सवा साल पहला म्यूनसिपल कारपोरेशन बनाई सी झूठे वादे करके, आज ढाई साल तो लगभग तो सवा साल तो लुधियाना तो पंजाब पर विकास पक्षों बहुत प्रभावित हो रहा। पूरे पंजाब दे विच कांग्रेस ने जो वादे किए थे एक भी पूरा नहीं किया। अज गर्मी का सीजन चल रहा, पीण वाला पानी नहीं मिल रहा लोगों को, बिजली नहीं मिल रही जो सरदार सुखबीर सिंह बादल ने सरप्रस्त की थी, टोए सड़कों के पे हुए ने, गंदा पानी लोगों के घर बढ़िया पाया, जिस करके असी बहुत बार मेयर साहब न कमिंदर साहब नू ते सरकार नू चिट्ठियां भी लिखिया, मिले भी जाके कहा भी भाई काम करो लोग परेशान आ, पर इन्हों के कन से जू नहीं सरकी, सौं गए। जो ये सौं गए तो फिर सुन जो सुते पे उन्होंने जगाने का एक साधना भी वो घर के मूहरे जाके रौला पाइए। अज समुचे लुधियाने के लोगों ना लैके असी म्यूनसिपल कारपोरेशन के दफ्तर के बाहर जाके खाली बाल्टियां खड़का रहे हैं, लोगों का रौला पा रहे हैं ना लैके, ता जो ये कारपोरेशन वाले जाग सकन, जाके लोगों के काम कर सकन, लोगों दी जो लोड़ां ने पूरी कर सकन, लोगों को सहूलतें प्रदान कर सकन, झूठे किए जो वादे वो वादे पूरे कर सकन। इस करके असी धरनों का सिलसिला शुरू किया। अज लुधियाना 20 जून के असी धरना दिता और बहुत वड्डी गिणती दे विच लुधियाना नगर निवासी ते 20 जून दे निवासी वाड़ां दे प्रधान ते कौंसलर ते होर सारे साथी अपने साथियों नाल जिहड़े लोग परेशान ने उन्हां नूं नाल लैके आए ने और इस कांग्रेस सरकार दा स्यापा कर रहे हैं, मेयर साहब नूं जगा रहे हैं, बरसात दे दिन ने लोगों के घरां च पानी वड़ रहा, कोई भी तवज्जो नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कोई वाड़ां दे विच विकास नहीं हो रहा, जिस करके लुधियाना भी परेशान है, पंजाब भी परेशान है, इस करके धरने से दे रहे हैं। अज सरदार रणजीत सिंह ढिल्लों साहब की अगवाई दे विच समुचा अकाली दल धरने पर बैठा, जिते छुट्टियां का टाइम चल रहा उत्थे छुट्टियां छड़ के इस करके धरने पर बैठे क्योंकि लोक सेवा, क्योंकि राजनीति सेवा साडा अकाली दल का पहला लोगो है, तो अच्छ सारे बैठे हैं, परेशान है, कुत्तियां तो परेशान है, मीह तो परेशान होए क्योंकि ड्रेन सिस्टम खत्म हो चुके हैं, इन्ना को माड़ा हाल हो चुके, लाइट नहीं आ रही, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, कैप्टन साहब तो मस्ती से बैठे है, बेलगाम अफसर हो चुके हैं, लीडरां दे पल्ले कुछ नहीं, लीडर कुछ काम नहीं कर रहे हैं, अपने मंत्री उन्होंने इन्हों के खिलाफ बोल रहे हैं, इन्हें अपने MLA खिलाफ कर रहे, मैं समझा इस तो माड़ी सरकार अज तक पंजाब नहीं देखी, हनेर गर्दी हो चुकी है, तो उन्होंने जगाने वास्ते अज धरना लगाया रहा, तो इतना लगाते रहा। बिजली मंत्री ने हुण तक अपना चार्ज नहीं लिया है, ये कैप्टन सरकार फेल महसूस, मैं कहना जिदा उन्होंने बंदे कहते भी चज के बंदे की गल करा करो, तो सिद्धू चज का बंदा नहीं गा, तो उन्होंने पोस्टर लग गए है भी अपनी सियासत छड़े, तो उन्होंने सियासत छड़ के अपनी सरदारी कायम करनी चाहिए। लुधियाना से गुरप्रीत के साथ अभिनंदन की रिपोर्ट। नकोदर में हर साल की तरह इस साल भी अलमस्त बापूलाल बादशाह जी के दरबार में सालाना मेला 18-19-20 जुलाई को करवाया जाएगा, जिसके संबंध में दरबार की कमेटी के चेयरमैन पवन गिल की अगुवाई में एक मीटिंग की गई, जिसमें बापूलाल बादशाह जी कमेटी के सभी मेंबर हाजिर हुए, जिसमें पवन गिल जी ने बताया कि 19 जुलाई की रात के समय पंजाब के सुप्रसिद्ध गायक दलेर मेहंदी जी अपनी गायकी द्वारा अपनी हाजिरी लगाएंगे। अलमस्त बापू लाल बादशाह जी के दरबार समूह मैंबर ते सारी संगत की मीटिंग हुई, जिदे अलमस्त बापू लाल बादशाह जी का सालाना मेला, अलमस्त बापू लाल बादशाह जी का सालाना मेला उहदे संबंध में सारियां तैयारियां जिहड़ियां मुकम्मल कर रही हैं। ये 36वां मेला आ, यह साईं हंस दरवेश जी रहन वाली थले होएगा, खास करके जिहड़ा इस मेले शिरकत जिहड़ी हैगी दलेर मेहंदी साहब करनगे
19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਲਮਸਤ ਬਾਪੂ ਲਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਪਵਨ ਗਿੱਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਸਾਲਾਨਾ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਨਾਬ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਉਹ MP ਵੀ ਬਣੇ ਆ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ, ਅਲਮਸਤ ਬਾਪੂ ਲਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਲਾ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਨਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਮਲ ਖਾਨ ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾ ਅਲੀ ਅਤੇ ਯਕੂਬ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਵਡਾਲੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਹੋਣ ਸੁਣ ਕੇ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁੰਮਾ ਕੇ ਪੁੱਜੋ ਔਰ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਨਕੋਦਰ ਸੇ ਪੁਨੀਤ ਅਰੋੜਾ ਕੇ ਸਾਥ ਅਭਿਨੰਦਨ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਕੇ ਬਲਾਕ ਟਾਂਡਾ ਅਧੀਨ ਪੜਤੇ ਗਾਉਂ ਦੇਹਰੀਵਾਲ ਮੇਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕੇ ਲੀਏ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਲੀਏ ਕਰੀਬ 5 ਕਰੋੜ ਕੀ ਲਾਗਤ ਕੇ ਸਾਥ NRI ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਪਾਂਡਾ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਓਂ ਔਰ NRI ਵੀਰੋਂ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਆਜ ਸਮਾਜ ਕੋ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਵ ਕੋ ਸਮਰਪਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਵਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਕਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਭੋਗ ਉਪਰੰਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੰਡਾਲ ਮੇਂ ਸਜਾਏ ਗਏ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਮੇਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੁਆਰਾ ਆਈ ਸੰਗਤੋਂ ਕੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿੰਨੀ ਲੁਕਾਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਸਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਨਿਗਰ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵੱਡਾ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤੋਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿੱਲਾ ਥਾਂ ਹੋਵੇ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੈਲਸ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਈਏ, ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿੱਲੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਜ਼ਰ 5-7 ਕਿੱਲੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਸਰਾ ਦੇਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਮੁੱਕਰ ਗਏ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਧੀ ਪੁੱਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਦਮ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵੱਡਾ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਮਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖਾਲਸਾ ਬਾਈ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਸ਼ਰਮ ਅੱਜ ਆਰੰਭ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਰਿਣੀ ਹੈ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਵਰਲਡ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਾਮਵਰ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ MP ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਪੁੱਜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਕਸਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੁੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਵਕਤ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਆ,
ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਸਗੋਂ ਸਮਝ ਕੇ ਆਸ਼ਰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੱਟ ਪਰ ਡੱਟ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਰੱਜ ਕਿਸੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੇ ਸਾਥ ਅਭਿਨੰਦਨ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸ਼੍ਰਮਣ ਸੰਘੇ ਪ੍ਰਥਮ ਯੁਵਾ ਆਚਾਰਯ ਪੂਜਯ ਗੁਰੂਦੇਵ ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਮਾਲਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਮਧੂਕਰ ਕੇ ਸੁਸ਼ਿਸ਼ਯ ਰਤਨ ਸ਼੍ਰਮਣ ਸੰਘੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਉਪਪਰਿਵਰਤਕ ਮਧੂਕਰ ਕੁਲ ਕਮਲ ਪੂਜਯ ਗੁਰੂਦੇਵ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੇ ਮੁਨੀ ਜੀ ਭੀਮ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਕਸ਼ਿਣ ਕੇਸਰੀ ਤਪਾਚਾਰਯ ਸਪਸ਼ਟ ਵਕਤਾ ਪੂਜਯ ਗੁਰੂਦੇਵ ਸ਼੍ਰੀ ਸਨਮਤੀ ਮੁਨੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸਭਾ ਭਾਵੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵੀ ਅਧਿਐਨਸ਼ੀਲ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੁਨੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਆੜੀ ਥਾਣੇ ਚਾਰ ਹੈਬੋਵਾਲ ਸਥਿਤ ਜੈਨ ਸਥਾਨਕ ਮੇਂ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਗਲਮਈ ਪਾਠ ਏਵਂ ਪ੍ਰਵਚਨੋਂ ਸੇ ਭਕਤੋਂ ਕੋ ਸੰਬੋਧਿਤ ਵੀ ਕੀਆ। ਜਬ ਅੱਛੇ ਭਾਵੋਂ ਸੇ ਗਾਤੇ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਤੋ ਕਰਮੋਂ ਕੀ ਕਿਆ ਹੋਤੀ ਹੈ ਨਿਰਜਰਾ। ਨਰਕਾਰ ਮੰਤਰ ਹੈ ਮਹਾਮੰਤਰ, ਇਸ ਮੰਤਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ, ਆਗਮ ਮੇ ਗਤੀ ਗੁਰੂ ਵਰਸ ਸੁਨੀ, ਅਨੁਭਵ ਮੇ ਜਿਸੇ ਉਤਾਰੀ ਹੈ, ਆਗਮ ਮੇ ਗਤੀ ਗੁਰੂ ਵਰਸ ਸੁਨੀ, ਅਨੁਭਵ ਮੇ ਜਿਸੇ ਉਤਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਸੇ ਨਵਕਾਰ ਮੰਤਰ ਚਲਤਾ ਹੈ। ਨਵਕਾਰ ਮੰਤਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਵ ਕਿਤਨੇ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕਿਤਨੇ ਹੈ। ਦੇਵੀਓ ਕੇ ਹਰ 15 ਦਿਨ ਕੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਪੂਜਾ ਆ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਪੂਜਾ। ਖੈਰ ਗ੍ਰਸਤ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੜਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸਕਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਝੇ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਧੂ ਸਾਧੂ ਹੋਤਾ ਹੈ ਔਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੀ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਆਪਨੇ ਕਦੀ ਪਤੰਗ ਉਡਾਈ? ਉਡਾਈ ਹੈ? ਅਗਰ ਪਤੰਗ ਕੋ ਜਿਤਨਾ ਖਿੱਚੋਗੇ ਉਤਨੀ ਵੋ ਕਹਾਂ ਜਾਏਗੀ? ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਅਹੰਕਾਰ ਕਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਤਨੀ ਆਪ ਢੀਲੀ ਕਰੇਂਗੇ ਤੋ ਪਤੰਗ ਉਤਨੀ ਲੰਬੀ ਖਿੱਚਤੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਨੋ ਪਰ ਤਾਨੋ ਮਤ, ਇਸ ਲਈ ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਦੋ ਦੇਵ ਹੈ ਤੀਨ ਗੁਰੂ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਯਹਾਂ ਕਹਿਤੇ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣ ਸੇ ਵਿਕਾਸ ਕੇ ਸਾਥ ਅਭਿਨੰਦਨ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। आज लुधियाना के बाबा थान सिंह चौक पर सेफको द्वारा ठंडे मीठे पानी की छवि लगाई गई। आयोजकों ने जानकारी दी कि उनका मानना है कि मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। उन्होंने बताया कि वे हर साल इसी तरह राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए छवि लगाते हैं, जो कि इलाका निवासियों के सहयोग से हर साल सफलतापूर्वक सम्पन्न किया जाती है। इसी बीच छोटे छोटे बच्चे ने भी छबील में सेवा की और पुण्य का लाभ लिया। ध्यान से विकास के साथ अभिनंदन की रिपोर्ट। आपको बहुत दुखी हृदय के साथ सूचित किया जाता है कि श्री मनोहर लाल जैन मैसेज वैष्णो दास मनोहर लाल जैन अपनी जीवन यात्रा पूर्ण कर स्वर्ग सिधार गए। आत्मा चैनल दिव्यांगत आत्मा को श्रद्धा के सुमन अर्पित करता है। आज के समाचार बस यहीं तक। मैं शिवांगी कल फिर हाजिर होंगी कुछ नए धार्मिक व सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप जुड़े रहें आत्मा चैनल के साथ। जय जानेंद्र।